हेलो एंड वेलकम टू द किचन। मैं हूँ प्रियंका और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वड़ा पाव की रेसिपी। बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है मुंबई का, सबको पता है। बट अभी कुछ टाइम से लॉकडाउन के कारण और कोरोना के कारण हम लोग बाहर का खाना अवॉइड कर रहे हैं, तो आई एम श्योर सब ने वड़ा पाव को बहुत मिस किया है। तो चलिए आज घर पर ही बनाते हैं वड़ा पाव। लेट्स तो चेक आउट वड़ा द पाव बनाने के रेसिपी। लिए सबसे पहले हम आलू का मसाला बनाएंगे। तो एक पैन चढ़ाएंगे लो मीडियम फ्लेम पर। इस पर एक बड़ा चम्मच ऑयल, जैसे ही गर्म होगा उसमें हम डालेंगे जीरा, मस्टर्ड सीड और करी लीव्स। इन तीनों को अच्छे से हम भूनेंगे जब तक ये अच्छे से तड़कने ना लग जाए, जस्ट 1 मिनट के लिए। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और गार्लिक को क्रश करके डाला है मैंने, तो 1 बड़ा चम्मच डालेंगे ये। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप कट करके भी डाल सकते हैं, बट जो क्रश करके डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे ताकि कच्चापन निकल जाए। और अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, तो 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और आप रेड चिली भी डाल सकते हैं, बट मैंने रेड चिली नहीं डाली है बिकॉज ग्रीन चिली बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। और अब हम इसमें डाल देंगे बॉयल पटेटो। लगभग 2 मीडियम साइज़ आलू लिए हैं मैंने यहाँ पे बॉयल करके, और उसे इस तरह से मैश कर लिया है। और इसमें कोई भी मसाला मैंने ऐड नहीं किया है, न गरम मसाला डाला है। ऐसे ही ये मसाला बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे अब हम 2 मिनट तक पकाएंगे। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई मैंगो पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और इसे फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस 1-2 मिनट तक इसे पकाना है और फिर गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो ये अच्छे से पक चुका है, इस टाइम पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। और अब लास्ट में हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक अब हम बेसन का जो बैटर है वो बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच बेसन लिया है। और इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और इसी के साथ अब इसमें जाएगा चुटकी भर हल्दी। थोड़ी सी हल्दी डालिए कलर के लिए। और अब इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं वरना स्किप कर दें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब हम एक बैटर बनाएंगे। तो इस तरह से लगभग मुझे 1/3 कप लगा है पानी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके एक बैटर रेडी करेंगे। तो ये हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसको साइड रख देंगे। अब ये आलू का मसाला भी ठंडा हो चुका है, अब हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। तो इस तरह से सारे बॉल्स बनाकर मैं रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए, तो इतने मसाले में मेरे 4 वड़ा बनकर रेडी हुए हैं। तो इस तरह से सारे वड़े मैंने बना लिए हैं। अब हम चलते हैं इनको डीप फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा बैटर था उसमें अब हम थोड़ा सा सोडा डालेंगे, खाने वाला जो सोडा होता है, एकदम पिंच ऑफ डालना है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ऑयल को गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था पहले ही, तो मीडियम गर्म होना चाहिए ऑयल। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें अब हम वड़े को डिप करेंगे हमारे बेसन के बैटर में, और इस तरह से वड़े को डीप फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह से सारे वड़े बन जाएंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं, बहुत तेज़ फ्लेम पर ना पकाएं, नहीं तो ये ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से अच्छे से पकेगा नहीं। तो ये वड़ा हमारा रेडी हो गया है। तो अब बनाऊंगी मैं चटनी। तो चटनी जो आपको वड़ा पाव के साथ चटनी मिलती है ना, वो चटनी मैं बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने ये कुछ गार्लिक है उसको रोस्ट कर लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैं थोड़ी सी चटनी बना रही हूँ। और इसके साथ अब हम डालेंगे ये जो वड़ा पाव को तलते टाइम ये क्रंचीनेस निकलते हैं, ये लॉट्स ऑफ जाएंगे इसके अंदर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमारा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा, ज़्यादा स्पाइसी नहीं। इसके साथ ही थोड़ा सा जीरा, बस दैट्स इट। इसमें जाएगा अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक,
और इसको मैं अब तो हमारी ग्राइंड कर चटनी लूंगी। रेडी है, वड़ा रेडी है। अब मैं पाव रेडी कर लूँगी, तो पाव को इस तरह से बीच से कट कर लेंगे और अब हम इसमें वड़ा असेंबल करेंगे। तो उससे पहले जो हमने चटनी बनाई है उसे इस तरह से सबसे पहले चटनी लगाएंगे और उसके ऊपर अब हम वड़ा असेंबल कर देंगे। और ये हमारा डिलीशियस वड़ा पाव रेडी है। ये चटनी भी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। इसी तरह से ये सारे वड़ा पाव मेरे रेडी हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसे ग्रीन चिली के साथ सर्व किया जाता है, तो ये मुंबई स्ट्रीट फूड बिल्कुल रेडी है, आप इस तरह से इसे सर्व भी कर सकते हैं। तो ये हमारा वड़ा पाव बिल्कुल रेडी है, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। 6 महीने के बाद मैं खा रही हूँ इसको, तो मैं इसे एंजॉय करती हूँ। आप भी इसको बनाइए और एंजॉय कीजिए। मैं आपको मिलूँगी अपनी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।